पौरी रेस्ट हाउस पर भाजपा मंडल की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल प्रभारी नरोत्तम रावत, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी सहित मंडल उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा मौजूद रहे, जहां मंडल प्रभारी नरोत्तम रावत ने पंच परमेश्वरों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम तय हुए हैं, जिसके चलते सभी बूथ केंद्रों पर कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। पार्टी चुनावी मोड पर आ गई है, जिसके चलते रविवार 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ केंद्र पर सुना जाएगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीणों को सहभागिता सुनिश्चित है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी चुनाव के मूड में आ चुकी है, चुनाव आ गया है अपने लिए मान लो, और 2.0 जो अपना कार्यक्रम चल रहा है बूथ विस्तार अभियान। अभी तक क्या होता था कि अभी तक अपन मंडल तक सीमित थे, मंडल की बैठक में अपन अभी 25-30 लोग बैठे हैं, तो अभी मंडल की बैठक में 25-50 लोग आते थे। तो अब आज रेस्ट हाउस पर एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ बैठक थी और कौन सम्मिलित हुए? आज हमारे पंच परमेश्वरों की बैठक पौरी रेस्ट हाउस पर आहूत की गई। इसमें हमारे पंच परमेश्वरों को कल होने वाले हमारे माह के अंतिम रविवार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति एवं पन्ना प्रभारियों के साथ सुना जाएगा। उसके लिए हमने पंच परमेश्वरों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और आगामी हमारे कार्यक्रम आ गए हैं और भी बैठक हैं, उनके निमित्त हमारे पंच परमेश्वरों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।